नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपके तारे में बात करेंगे आपके दिन भर के राशियों के हाल की और अलग अलग राशियों के लिए बताएंगे अद्भुत, अचूक और सटीक सलाह, जिससे आप अपने दिन को बहुत अच्छा बना सकेंगे। देंगे आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्या का समाधान और बताएंगे रामबाण उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज की सलाह। आज चंद्रमा कन्या राशि में मौजूद है और कन्या राशि को रोगों और बीमारियों की राशि मानते हैं, इसीलिए आज हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। किसी भी समय, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी अवसर मिले हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसा करने से शनि संबंधी अगर कोई शारीरिक समस्या है या कोई रोग बीमारी से जूझ रहे हैं तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। जान लेते हैं अब मेष से लेकर कन्या राशि तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने की संभावना। मेष राशि, संतान प्राप्ति में कहीं ना कहीं मुश्किलों के योग बने हुए हैं। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे और आज ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब आपको क्रोध आएगा, इसलिए क्रोध आज बिल्कुल नहीं करेंगे। आज की सलाह ये है कि सर्दी जुकाम से बचाव करें, जब भी किसी को कुछ बोलें सावधानी पूर्वक बोलें, वाणी के प्रयोग में सावधानी रखें और आज गुड़ खाकर घर से निकलेंगे ताकि आपको सफलता आसानी से मिल सके। वृष राशि, आज घर में खुशहाली आएगी, आपकी सेहत भी बेहतर दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसे अच्छे समय में अनावश्यक बातों को तूल मत दीजिएगा। आज की सलाह ये है कि अनावश्यक बहस मत करिए बिल्कुल भी और धन की फिजूल खर्ची से बचाव करें, पैसे की बर्बादी ना करें। आज अपने घर में या किसी मंदिर में, किसी पूजा के स्थान पर अगर आप फूल अर्पित करेंगे तो आपका दिन बहुत अच्छा होगा। मिथुन राशि, मेहनत से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है, आपके काम की प्रशंसा भी हो रही है, आपकी मेहनत रंग ला रही है, लेकिन आपके परिवार में स्वयं तालमेल बिगड़ रहा है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। आज की सलाह ये है कि केवल दूसरों की कमियां ही मत देखिए, दूसरों के अंदर अच्छाइयां भी तो हो सकती है ना, उसको भी देखिए। बासी भोजन बिल्कुल मत खाइए और देसी घी जरा सा खाकर घर से निकलेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। कर्क राशि, इमोशनली आप कमजोर हो रहे हैं, भावनात्मक रूप से आपको दिक्कतें हो रही हैं, दौड़ भाग भी आपकी लगातार बढ़ी हुई है, लेकिन इस समय जो अच्छी बात है वो ये है कि आपके करियर में परिवर्तन का दौर चल रहा है, करियर में परिवर्तन की स्थिति दिखाई दे रही है। आज की सलाह ये है कि निर्णयों में बहुत विलंब मत करिए, जो डिसीजन लेना है तुरंत लीजिए और तुरंत निपटाकर आगे बढ़ लीजिए। वाहन आज सावधानी पूर्वक चलाइए और घर से लौंग खाकर अगर आप निकले तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सिंह राशि, कोई मनोकामना आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, हो सकता है आज आपको धन का बड़ा लाभ भी हो जाए, लेकिन काम का दबाव बहुत है, इसका आपको ध्यान देना है। बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे तो दिन ठीक होगा। सलाह यह है कि काम के चक्कर में, काम के प्रेशर के चक्कर में निर्णय गलत ना हो जाएं, निर्णय लेने में आज सावधानी रखेंगे। अपने घर के मेन डोर को साफ सुथरा रखेंगे क्योंकि वही को ठीक रखने से आपके जीवन में बड़े सारे अवसर आएंगे जो फिलहाल नहीं आ रहे हैं, और सुगंध लगाकर घर से निकलेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के सुंदर योग बने हुए हैं, किसी बड़े बुजुर्ग की सहायता आपको मिलेगी, खूब खरीदारी करने वाले हैं ऐसा लग रहा है। सलाह ये है कि खरीदारी करिए, जो आवश्यक है वही करिए, दिखावे से, फिजूल खर्ची से बचिए। परिवार में ऐसा कुछ मत करिए जिससे बेवजह वाद विवाद हो जाए, तो परिवार में शांति बनाए रखें, वाद विवाद की नौबत ना आने दें। कुछ धन का अगर आप दान करें आज तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। बाकी बची हुई राशियों की बात भी करेंगे और बात करेंगे आज के रामबाण उपाय की, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। इंद्र कुमार ने हमें मेल लिखा है, लखनऊ से लिखते हैं। 16 मई 1979 जन्म की तारीख है, जन्म का समय है सवेरे 9 बजे, जन्म का स्थान है लखनऊ। लिख रहे हैं, स्वास्थ्य की समस्या से बहुत परेशान हैं, इस चक्कर में नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, करियर सेट नहीं हो पा रहा है, क्या करना चाहिए। दो मुश्किलें हैं,
पहली तो ये कि शनि राहु की उपस्थिति बेहतर नहीं है कुंडली में। सिंह राशि में दोनों बैठे हुए हैं जो सर दर्द की समस्या, न्यूरो प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम दिखा रहे हैं। बृहस्पति हालांकि कर्क में बैठा हुआ है लेकिन उसकी पोजीशनिंग इतनी अच्छी नहीं है कि वो आपकी सहायता कर सके, इसीलिए सहायता भी आपको नहीं मिल पा रही है। सबसे पहले बता दूं कि आपके स्वास्थ्य में सुधार अगले महीने से ही होना शुरू हो जाएगा, इसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। सितंबर के अंत से आपके जीवन में, आपकी सेहत में इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। भविष्य में सरदर्द को लेके, न्यूरो प्रॉब्लम को लेके सतर्क रहें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, आप स्वस्थ रहेंगे। और फिलहाल एक मूंगा नाम का रत्न, एक कोरल मूंगा, 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में मंगलवार की सवेरे आप धारण करें, उससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल भी चढ़ाएं, आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और आपका करियर भी बेहतर होता चला जाएगा। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप ज्योतिष के जरिए उसका समाधान जानना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है aapketare@aajtak.com। जान लेते हैं अब बाकी बची हुई राशियों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। तुला राशि, बेवजह की वाद विवाद की नौबत आ रही है, स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर कोई मुश्किल आती है तो किसी महिला का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की सलाह यह है कि धन संबंधी कार्य आज ना करें, दूसरे की कोई गारंटी मत दे दीजिएगा, किसी बैंक लोन में, किसी अन्य लोन में अगर गारंटी देंगे तो फंस ना जाए कहीं। पीले रंग का आज प्रयोग करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होता हुआ दिख रहा है, कोई बड़ी समस्या हल होती हुई दिखाई दे रही है और आपकी संतान की उन्नति के योग भी बने हुए हैं। आज की सलाह यह है, अति विश्वास से बचाव करिए, ओवर कॉन्फिडेंस से आप बड़े नुकसान में आ सकते हैं। अपने काम करने की जगह को सिस्टमेटिक रखिए, व्यवस्थित रखिए, अन्यथा अनावश्यक परेशान होंगे और कुछ मीठा खाकर अगर घर से निकलें तो मुश्किलें हल हो जाएंगी। धनुराशि, आपकी तमाम जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, आपको पद और प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है और सबसे बेहतर बात क्या है, आपके घर की समस्याओं का समाधान निकल रहा है जिससे आपकी चिंताएं कम हो रही। आज की सलाह यह है कि वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, घर से जो चीजें इस्तेमाल की नहीं है, अनुपयोगी हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, फर्नीचर हैं, इनको हटा दें और भगवान का नाम लेकर घर से निकलेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। मकर राशि, आपके पारिवारिक जीवन में सुधार होता हुआ दिख रहा है, आपका कोई पुराना विवाद भी हल हो रहा है और लगता है किसी धर्म स्थान पर आप जाने वाले हैं। आज की सलाह यह है कि अहंकार से और जिद से बचिए, अपने घर में आपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं जो सूख रहे हैं उन्हें सूखने मत दीजिए और जो सूख चुके हैं उन्हें हटा दीजिए, नहीं तो आपकी किस्मत में मुश्किलें आनी शुरू हो जाएंगी। लौंग खाकर आज घर से निकलेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। कुंभ राशि, काम का दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है, थकान महसूस कर सकते हैं, हालांकि देर शाम किसी प्रियजन से मुलाकात होगी, दिन आपका बेहतर होगा। आज की सलाह यह है कि पूजा उपासना में जरा ध्यान दीजिए, मन को एकाग्र करिए, अपने प्रियजन से सहयोग लीजिए अगर कहीं आवश्यकता है और भगवान के समक्ष अगर आज दीपक जला के आप प्रार्थना करेंगे तो दिन तो बेहतर होगा ही, आपकी प्रार्थना भी पूरी हो जाएगी। मीन राशि, कारोबार में व्यस्तता दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य आपका कमजोर दिखाई दे रहा है और जीवन साथी के साथ बेवजह विवाद के योग बने हुए हैं जहां पर आपको शांति बनाए रखनी है, तो आज की सलाह भी यही है कि शांति बनाए रखिए, बाहर की चीजें खाने से बचिए, बेवजह पेट के इन्फेक्शन के शिकार ना हो जाएं और हरी इलायची खाकर घर से निकलेंगे तो घर का माहौल और बाहर का माहौल दोनों ही बेहतर रहेगा। तो अलग अलग राशियों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है ये तो हमने जान लिया, अब जान लेते हैं क्या है आज का रामबाण उपाय। आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज की शिकायत है, आपका पेट नहीं ठीक रहता है, क्या करना चाहिए, अपने हाथ के अंगूठे से, चाहे वो राइट हैंड हो चाहे वो लेफ्ट हैंड हो, थोड़ी के बीचों बीच वाली जगह दबाइए ऐसे और इस जगह पर 5-6 मिनट तक मसाज करिए ऐसे।
सुबह और शाम दोनों समय आप इस क्रिया को करिए। अगर 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम को आप दोनों ही समय अपने अंगूठे से ठोड़ी की मसाज करेंगे, ठोड़ी के बीच वाली जगह की, तो आपके पेट की और कब्ज की जो भी समस्या है वो निसंदेह दूर होगी। तकरीबन सप्ताह भर में इसका बेहतर असर आना शुरू हो जाएगा। अलग अलग राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है और ये भी बताया कि पेट को ठीक करने का और कब्ज को दूर करने का रामबाण उपाय क्या है। अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है आज, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं कम होंगी, विवाह और परिवार के मामले बेहतर होंगे, कैरियर और स्थान परिवर्तन की मजबूत संभावनाएं भी बनेंगी। लेकिन आपको धन को लेकर, संपत्ति को लेकर विवादों से बचना भी होगा। सलाह ये है कि एक सोने का या पीतल का छल्ला अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, राइट या लेफ्ट हैंड में पहन लीजिएगा इस साल, और शनिवार को खाने पीने की चीजों का दान करिएगा। आपका आने वाला वर्ष सुंदर बना रहेगा। तो आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके दिन भर के राशियों के हाल के साथ और रामबाण उपाय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।